क्या यार रणबीर, हम घर भी नहीं पहुंचा है तुम तो इतनी याद आ रही है प्राची की, पागल हो गया तुम? क्या कहते हो? इश्क नहीं है इजी, फायर का दरिया है और स्विम करके जाना है। यार प्राची, आई एम मिसिंग यू सो मच, फोन कर ही लेता हूँ। रणबीर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों साउंड कर रही हो, क्या हुआ, ऑल ओके? रणबीर माँ बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। डिस्टर्ब लग रही थी मतलब क्या होता है? आंटी घर नहीं पहुंचे क्या? नहीं, मैंने उन्हें फोन किया था, वो बहुत परेशान थी। परेशान मतलब? शायद रो भी रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है रणबीर। तो फिर तुमने दोबारा फोन किया उनको? मैंने कॉल किया था ना, तो उन्होंने कहा कि बाद में बात करते, इसलिए मैंने दोबारा कॉल नहीं किया। मुझे अगर पता होता ना वो कहाँ है तो मैं अभी जाके उन्हें ले आती। एक सेकंड प्राची, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मॉम को, वो बहुत स्ट्रांग है और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है, वो हैंडल कर लेंगी। हाँ, पर अगर वो किसी प्रॉब्लम में तो मैं। बार बार मत बोलो ऐसा, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं गाड़ी में हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, अगर मुझे वो दिखती है ना तो मैं उनसे बात कर लूंगा, ओके, डोंट वरी। हाँ ठीक है, थैंक यू रणबीर, बाय। I'm sure रिया ने कुछ बोल दिया होगा। ये रिया सुधरती क्यों नहीं है? एक बार में फाइट आ जाए, she understand। पता है बदलते रिश्तों के साथ ना इंसान भी बदल जाता है, लेकिन प्रज्ञा के लिए तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली, इतनी नफरत क्यों आलिया? Why? चुप क्यों आलिया, रुको दे, अभी रुको, रुको। आलिया जो कहना चाहती है उसका मतलब तो समझो। आलिया को ना बहुत अच्छी तरह जानता और उसके हर एक मतलब को भी। अभी आलिया मुझसे कहना चाहती थी, मतलब वो मुझसे कह रही थी कि अब उसे प्रज्ञा का घर में आना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे इस बात के लिए रोका भी है ना। ये क्या कह रही हो तुम, क्योंकि घर में सबको पता है कि रिया प्रज्ञा से बहुत प्यार करती है। और मैं जो सुना वो? हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, आलिया जो मुझसे कह रही थी वो ये कह रही थी कि वो रिया से बहुत प्यार करती है और रिया की बहन प्राची से भी बहुत प्यार करती है। अभी उसे बच्चों से प्यार है लेकिन प्रज्ञा से तो नहीं है। प्रॉब्लम बच्चों से नहीं, प्रज्ञा से है, और जिससे प्रॉब्लम है उसने तो अपना काम कर भी दिया ना, मतलब जो कुछ भी हुआ। तो इसके कहने का मतलब यही था कि ये सब होने के बाद में प्राची और रिया एक फैमिली की तरह कैसे रह सकते हैं, है ना? हाँ यही कहा ना, कह रही थी ना, तो बोलो ना तो आप अभी को। हाँ भाई, आई लव रिया, हर आप जानते हैं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बट प्राची से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञा, बट नो, प्रज्ञा से मैं नफरत करती हूँ और उसने इसी बात का बदला लिया है बिकॉज आई लव रिया। इट्स क्वाइट ऑब्वियस भाई, पर आप क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, ठीक है? मीरा का फोन नहीं लग रहा है, तुम जल्दी से जाओ रिया के पास, वो इस वक्त अकेली है, तुम जाओगी ना तो रोएगी नहीं वो। मैं लॉयर से बात करता हूँ। वी हैव टू डू सम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वो लॉक अप में है, जस्ट हरी अप। अभी तो गया, कैसी रही मेरी चाल? मुझे लगा भाई ने मेरी पूरी बात सुन ली है। सुन ली होती तो जो चाल मैंने चली है ना, हम लोगों का तो बुरा हाल हो गया होता अब तक। आपको कैसे पता चला कि भाई ने हमारी पूरी बात नहीं सुनी? तुम तो मुझे उल्लू समझती हो ना, तो उल्लू की नजरें से चारों तरफ घूमती रहती हैं, तो मेरी भी नजरें से चारों तरफ रहती हैं। जब तुम अपनी बात खत्म करने जा रही थी ना, तभी अभी कमरे में आ गया था, और उस वक्त मैं तुम्हें रोकती तो अभी को लगता कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी बात कम्प्लीट होने दी। फिर तो जो अभी सुनना चाहता था, मतलब जो अभी के लिए सच है, वही मैंने कहा। खेलना आ गया ना मुझे ऐसे। और इस बात की खुशी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है? मतलब इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया आपने, ये पूरी बात ना एक लाइन में भी बोल सकती थी। जा रही हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। शॉर्टकट लेना। अब इसका क्या मतलब है? तुमने ही बोला था एक लाइन में बोलो, तो मैंने एक लाइन बोल दी, शॉर्टकट लेना। मेरा मतलब ये है आलिया कि प्रज्ञा रिया से मिलने पक्का वहाँ पहुँचेगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले वहाँ पहुँचना है। अगर तुम पहले नहीं पहुँची ना, तो सारी गलतफहमी वो दूर कर देगी। दोनों माँ बेटी का प्यार तो तुमने अच्छी तरह से देख ही लिया है, इसलिए तुम्हारा काम है उन दोनों को दूर रखना, नहीं तो जो इतनी मेहनत की है ना, जो इतनी गलतफहमी क्रिएट की है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। मिताली भाभी, जो आपके पास है नहीं ना, वो इस्तेमाल मत कीजिए, मैं अपना दिमाग यूज कर लूंगी। दिमाग है, इस्तेमाल किया तभी तुम्हें बचाया। एक ही बात बार बार बोलती जा रही है आप। टाइम वेस्ट हो रहा है, जाना है मुझे, ये भी सोचना है कि रिया से क्या क्या कहना है। कमाल है कोर्ट जी, और मैं तो बहुत ही कमाल हूँ, मतलब
चिढ़ती रहती हूँ और मैं इसकी हेल्प करती रहती हूँ तो क्या हुआ? चिढ़ने दो उसे, खेल खेलना तो तुम्हें आ गया है। धीरे धीरे आलिया की तरह स्मार्ट भी हो जाओगी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये चाबी, मेरी देर हो रही है। क्या हुआ मैडम, FIR लिखवानी है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर इंचार्ज, वो जो मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए ना, उनसे मिलना है मुझे। शीला के खिलाफ झूठी कंप्लेन मैंने लिखाई है, अगर ये भाई को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर सर, आप क्या जानकार है जो आपकी बेटी को लेके आया है या फिर उसको अरेस्ट करके लाया गया है? मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए हैं, प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज बहुत अर्जेंट है। लो आ गए इंस्पेक्टर साहब। मेरी रिया को बहुत तकलीफ हुई। भाई ये आपसे ना ख्यारे की मौत का बदला लेना चाहती है। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके जाने का दुख हम सबको है, पर जो तकलीफ तुम्हें उसके जाने के बाद हुई ना, वो सेम तकलीफ तुम भाई को देना चाहती हो। और ये तकलीफ रिया को प्रज्ञा ने, FIR जिसने लिखा है, अगर वो FIR नहीं लिखवाई, पर FIR तो तुम्हारे नाम पर है ना। प्रज्ञा किसी को दर्द दे नहीं सकती, वो हर किसी का दर्द जरूर ले सकती। सुन रहे हैं? प्रज्ञा की समझ पर मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं। तू जानता है, मैं जानती कि प्रज्ञा अपने बच्चों से कितना प्यार करती। एक माँ जो अपने बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के सामने भीख मांग सकती, वो अपने बच्चों की खुशियाँ क्यों छीनेगी? अभी दलजीत दादी प्रज्ञा को तेरी जिंदगी में लाई थी, तो पुत्र कम से कम उनकी बात पर तो भरोसा कर ले। दादी ने सही कहा, प्रज्ञा रिया को बहुत प्यार करती है, तो फिर रिया की चीख कैसे? कहाँ थी आप, इतनी देर क्यों लगा दी आपने? मैं कितने देर से आपका वेट करती, मैं भी हूँ। मैं जानती हूँ मुझे देर होगी, मैं देर करना नहीं चाहती थी, लेकिन देर इसलिए हुई ना कि मैं नहीं चाहती कि अब मेरे और मेरी बेटी के बीच में कोई आए। मतलब? मतलब मैं अपने साथ प्राची को लेकर आई हूँ। और प्राची ने इंस्पेक्टर से कह दिया है, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कभी इसे मारने की कोशिश नहीं की। और माँ ने भी कहा कि मेरी बेटी अपनी बहन के अगेंस्ट ऐसा कभी नहीं करेगी। जो हुआ था ना वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया ना, अब तो तुम आजाद हो, बाहर हो, है ना? प्राची, मैंने कितना गुस्सा किया तुम पे, कितना एटीट्यूड दिखाया। सॉरी, ये मत बोलना। और एटीट्यूड मैं सुन भी करता, बहन है ना तू। ये क्या कर रही हो तुम? अब ये लोग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं? मुझे ये मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहे।
मुझसे भी ज्यादा। हाँ, एक बेटी के लिए उसकी माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कौन हो सकती? ये मेरी मॉम है और प्राची, प्राची मेरी बहन है। तुम्हारी इस बहन के लिए तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी। बूजी प्लीज नॉट अगेन, ओके? मुझे पता है कि वो चली गई मुझे छोड़कर, लेकिन अब वो वापस आ गई है ना। जी सर, एंड प्लीज हमारे बीच में आना बंद कर दीजिए। ऐसे बात करोगे तुम मुझसे? यही रिस्पेक्ट रह गई है तुम्हारी आंखों में मेरे लिए? मुझे प्लीज, जो रिस्पेक्ट और प्यार की बातें कर रही है ना, वो आप बहुत पहले ही खो चुकी थी। Lost that respect and that love from me. Lost it all. And now I know the truth. Okay? और अगर आप मेरी बहन या मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलेंगी ना, मैं ऐसी ही बातें करूंगी। समझ गई आप? आइंदा मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तुम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मेरी बेटी का हाथ मेरे हाथों में, और जब एक माँ अपने बच्चे का हाथ थाम लेती है ना, तो फिर उसे भटकने नहीं देती। और तुम अब मेरे परिवार के बीच में कभी नहीं आओगी। तुम मेरा सपना नहीं तोड़ सकती, नहीं आ सकती तुम उसके बीच। ये सपना सच नहीं हो सकता। मैं सपने को सच नहीं होने दूंगी। मैं प्रज्ञा को जीतने नहीं दूंगी। सॉरी, नीरज से मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रही है। मेरी गलती, मैं गलत जगह आ गई। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी, और मैंने सब फ्यूजन क्लियर कर दिया, उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, आप पहले शांत हो जाइए, आपके लिए कुछ मंगाऊं? नहीं नहीं, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है ना। ठीक है, आप दूसरे थाने पता कीजिए। थैंक यू। भैया कोई और रास्ता नहीं है? मैम सब तरफ ट्रैफिक रहेगा, आप लेफ्ट राइट से कहीं से निकालने की कोशिश कीजिए ना। ऐसे पुलिस स्टेशन जाना भैया, ऐसे तो देर हो जाएगी। प्रज्ञा रिया से मिलने पक्का वहाँ पहुँचेगी, लेकिन तुम्हें उससे पहले वहाँ पहुँचना है। अगर तुम पहले नहीं पहुँची ना, तो सारी गलत फहमी वो दूर कर देगी। चलिए भैया जल्दी चलो। नहीं प्रज्ञा, तुम रिया से पहले नहीं मिलोगे, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कोई पुलिस स्टेशन नहीं, हॉस्पिटल जाता है। थोड़ा थोड़ा जल्दी चलाइए ना। मैम को फोन लगा, वो एम्बुलेंस को फोन लगाओ जल्दी। प्रज्ञा आई? मुझे लगता है हमें जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। प्राची, हम ऐसे कहाँ ढूंढेंगे मासी को? तुझे कुछ आइडिया कि मासी कहाँ होंगी? रिया के यहाँ। मैंने रणबीर को फोन कर दिया। दरअसल क्या हुआ कि मैंने सब जान पहचान वालों को फोन किया, पर वो कहीं नहीं थी। तो मैंने सोचा कि रणबीर को पूछ लूँ, शायद वो उसके घर में रिया के साथ हो। नहीं, वो वहाँ नहीं है, वहाँ से निकल गई। मुझे तो लगता है वो वहीं होगी। वो रिया से बहुत प्यार करती है, और जैसे तुमने कहा कि प्रज्ञा रो रही थी, तो शायद खुशी के आंसू होंगे या दर्द के। अगर दर्द के हुए और वो रिया की वजह से हुआ ना, तो इस बार रिया को नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो चुका, बहुत सह लिया, एक बार और ट्राई करती हूँ। मैम बाहर आई, ये मैम लगा लीजिए। मैम ये लगा लीजिए, फोन बहुत बह रहा है, बंद हो जाएगा। बैठिए, मैं बांध देती हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन बैठिए। पुलिस स्टेशन ना, पुलिस टैक्सी और ऑटो। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा माँ का।
मॉम हाँ आई है ना तुम्हारी मॉम आई न्यू इट कि वो जरूर आएंगी वो अपनी बेटी को इतनी देर लॉकअप में नहीं देख सकती उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया बट इट्स ओके मैं थोड़ी देर के लिए अपसेट थी बट आई एम फाइन नाउ आपके साथ क्यों नहीं आई कहाँ है वो इंस्पेक्टर से बात करिए मुझे वो इंस्पेक्टर ना ही इज वेरी स्ट्रिक्ट वो कहीं मॉम कुछ उल्टा सीधा ना बोलते आप एक काम क्यों नहीं करते आप उनके पास जाइए एंड आप अपने वे में हैंडल करने की कोशिश कीजिए शी नीड्स योर हेल्प जस्ट गो नाउ आप मॉम के पास जाइए ना बूजी अब भी भरोसा है तुम्हें प्रज्ञा पर वो माँ जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चली गई तुम्हारा मुड़कर पीछे देखा नहीं तुम्हारी तरफ कभी तुमसे मिलने नहीं आई कभी तुम्हारे बारे में सोचा नहीं और तुम उसके बारे में सोच रही हो मैंने कहा ना रिया वो तुमसे प्यार नहीं करती Enough, पूजी, just stop it, okay? Just stop it. तो प्यार करती वो मुझसे प्यार करती तभी तो वो यहाँ आई है ना पूजी यू डोंट नो दिवाली के दिन पता है वो मुझे अपना सारा प्यार देना चाहती थी 20 साल जो प्यार मुझे नहीं मिला ना वो सब कुछ मुझे देना चाहती थी she loves me a lot she really loves me a lot वो मुझसे बहुत प्यार करती है बिल्कुल नहीं करती तुमसे अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती ना तो फिर वो मुझे यहाँ बचाने नहीं आती कोई प्रज्ञा नहीं आई है तुम्हें यहाँ बचाने के लिए झूठ बोला था मैंने तुमसे ताकि मैं तुम्हारे मुंह से सच सुन सकूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रज्ञा तुमसे प्यार करती है बस यही उम्मीद कि वो तुम्हें यहाँ बचाने आएगी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये उम्मीद तोड़ दी मैं बताती हूँ कि तुम्हारी माँ इस वक्त कहाँ होगी तुम्हारी माँ अपनी चहेती बेटी प्राची के साथ अपने घर में बैठी होगी बैठकर चाय पी रही होगी और हर घूंट पर जोर जोर से हंस रही होगी और कह रही होगी अपनी बेटी प्राची से जितनी भी बार तुमने उसे मारने की कोशिश की ना एक झटके में उसे तुमसे हर चीज का बदला ले लिया तुम्हें यहाँ लॉकअप में भेजकर बड़ी समझदारी से उसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया रिया माँ का प्यार दिया ताकि वो तुमसे बदला ले सके और मौका मिलते ही उसने अपना कार्ड खेला ताकि वो सबको बता सके कि तुमने संजू को हायर किया था प्राची को मारने के लिए बहुत बड़ा खेल खेल गई तुम्हारी पूरी फैमिली साथ में थी कुछ कर पाई नहीं तुम्हारे डैड जो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए बेचारे मेरे भाई पुलिस के पीछे भाग रहे थे दौड़ रहे थे रिक्वेस्ट कर रहे थे अपनी बेटी के लिए पर प्रज्ञा प्रज्ञा ने ऐसा कुछ भी किया तुम्हारे लिए कर कर रहे रिया मेरी जान हाँ जाओ मेरी बात प्रज्ञा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी प्राची से प्यार करती है तुमसे नहीं तुम्हें अगर चाहती तो वो यहाँ लॉकअप में आती ना तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें बाहर निकालने के लिए पर उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं चाहती डोंट बी अ फूल रिया तुम प्रज्ञा के लिए कुछ भी नहीं हो नथिंग दैट्स एनफ ओके स्टॉप इट ओके जस्ट डोंट टॉक टू मी जस्ट डोंट टॉक टू मी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी आई हेट एवरीबॉडी आई हेट यू पूजा आई हेट एवरीबॉडी आई हेट रणवीर आई हेट प्राची आई हेट हेट दैट लेडी इट जस्ट दैट वो ना मेरी कभी मां थी ना कभी मेरी मां बनेगी अरे क्या हुआ चोट कैसे लगी आपको कोई हेल्प चाहिए नहीं नहीं इंस्पेक्टर क्या हुआ मैडम एक्सीडेंट या फिर लड़ाई झगड़े का मेरी बेटी को अरेस्ट करके लाए और कह रहे मैं नहीं कंप्लेंट करवाई मैं क्यों कंप्लेंट करवाऊंगी अपनी बेटी के अगेंस्ट आपकी ही कंप्लेंट पर आपकी बेटी को अरेस्ट करके लाए और आप ये कह रही हैं कि आपने कंप्लेंट नहीं लिखवाई भाई मैं बार-बार बोल रही हूं वही कंफ्यूजन है मैंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई बेटी का नाम क्या है आप रिया मेहरा सर या मेहरा हाँ ऐसा एक केस आया है पर जिस इंस्पेक्टर ने आपकी बेटी को अरेस्ट किया वो अभी घर गया है तो कोई और होगा ना वो अकेले नहीं आए थे कांस्टेबल से किसी कांस्टेबल से पूछे ना अरे कुमार सर उस लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट इन्होंने ही लिखवाई थी कौन सी लड़की सर या मेहरा जरा चेक करो फाइल में किसने कंप्लेंट लिखवाया है सर
प्रज्ञा के नाम से कंप्लेन फाइल है सर। आपका नाम प्रज्ञा है? जी। तो फिर आप ही नहीं लिखवाई ये कंप्लेन? वही तो कंफ्यूजन है सर, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने नहीं लिखा है कोई कंप्लेन। देखिए मैडम, आपका नाम लिखा हुआ है। आपने मुझे देखा कंप्लेन करवाते हुए? कैसे कह सकता हूँ कि मैं आप नहीं थी? आपने मास्क पहन रखा था पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए चेहरा ठीक से दिखा नहीं। मैं कह रही हूँ ना कि वो कोई और औरत होगी जिसने कंप्लेन करवाई। मैंने अगर मैंने कंप्लेन करवाई होती तो मैं अपनी ही बात से क्यों मुकर जाती? देखिए मैडम, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी दूसरी बेटी जिस पर मर्डर अटेम्प्ट हुआ है वो आकर कहे कि उस पर मर्डर अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो ये केस क्लोज हो जाएगा। मैं लेकर आती हूँ ना उसे, वो आकर बोल देगी सर, फिर आप छोड़ देंगे ना उसे? प्लीज आप अपनी दूसरी बेटी को लेकर आइए। हेलो, मैं रिया से मिल सकती हूँ एक बार? वो बच्चे है ना, डर गई होगी। मैं मिलूंगी एक बार तो एक बार। अभी नहीं मिल सकती, पहले से उनसे मिलने कोई आया था। उसके पापा हैं?